इंडस्ट्री जो है वो हर तरफ से मर रही है, ना तो उसको ऑर्डर आ रहे हैं, अगर ऑर्डर आएंगे तो उसकी सेल होगी तो सोचता भी चलो मैं अपनी जो पिछले वाले टारगेट है उस हिसाब से कुछ बना लूंगा, पर जब लेबर को वो देखता है तो फिर वो सोचता है यार मैं अगर ऑर्डर आ भी गए तो मैं इनको पूरा कैसे करूंगा क्योंकि मेरे पास लेबर नहीं है। क्योंकि इस समय जो छोटी इंडस्ट्री या बड़ी इंडस्ट्री सब एक ही जैसे हैं, किसी के पास ये नहीं है अभी बड़ी इंडस्ट्री वाले हैं उसके पास बहुत एडवांटेज है, उसके पास पूरी लेबर है, जो छोटी इंडस्ट्री है उसके पास लेबर नहीं है। आज सब इंडस्ट्री वाले एक ही सर्कल में घूम रहे हैं, या किसी के पास कम लेबर, जिसके पास 100 आदमी था उसके पास 50 हैं, जिसके पास 10 थे उसके 5 या 4 रह गए हैं, उसको काम करना बहुत मुश्किल है। जो 100 वाला था फिर भी वो मैनेज कर रहा है, जहाँ बड़ी इंडस्ट्री वाले किसी तरह भी मैनेज कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट उनको ये ऑर्डर दे दे कि हम आपको ये, आप हमारे को ये इतना इतना साइकिल सप्लाई करो, तो हो सकता है इंडस्ट्री को और बूस्ट मिल जाए और इंडस्ट्री और सर्वाइव कर जाए। अभी कितना सेल कम हो गई पिछले टर्नओवर के मुकाबले, बल तीन महीने के मुकाबले? 3 महीने के हिसाब से देखो आज की सिचुएशन जो है 50 और 60% सेल के ऊपर हम चल रहे हैं। 100% किसी भी आदमी की सेल नहीं है, जितनी वो पिछले टारगेट थे उनके, जो किसी ने 10 करोड़ की सेल की है पहले क्वार्टर में, वो आज उसकी जो सेल है वो 5 या 6 करोड़ की होगी। हमारे जो वेंडर्स हैं वो 50% लेबर पे चल रहे हैं, और हमको कंपोनेंट्स अगर टाइम से या पूरे नहीं आएंगे तो हम आगे साइकिल की प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, और ये कारण है। लेकिन दूसरा अभी स्कूल्स भी नहीं खुले, और जैसे ही स्कूल्स खुलेंगे तो उसके बाद गवर्नमेंट की भी जो डिमांड है उसकी भी पूरी उम्मीद करते हैं, और हमें यह भी उम्मीद है भी जब तक स्कूल खुलेंगे तब तक लेबर भी हमारी वापस आ जाएगी, और लेबर वापस आने से हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। और जो स्कूलों के लिए हम साइकिल बनाते हैं वो एक ही डिज़ाइन और एक ही मॉडल की होती है, तो उसकी प्रोडक्शन में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती।